तो कल हमने आपको बताया था अल्टरनेटिव कंजक्शन, ज्यामिति योग में अल्टरनेटिव चार कंजक्शन होते हैं। पहला कंजक्शन है जो है ज्यामिति योग, पहला कंजक्शन है ओ आर आर, दूसरा कंजक्शन है अदरवाइज, तीसरा कंजक्शन है आइदर आइदर डैश डैश आर, और चौथा कंजक्शन है नाइदर डैश डैश ना। तो ध्यान रखिएगा ज्यामिति कंजक्शन में ओ आर आर का प्रयोग हम कब करें, अगर दोनों अगर सिंपल सेंटेंसेस के दोनों वाक्य अगर इंट्रोगेटिव में है तो किसका प्रयोग करें, ओ आर आर का, यानी ए वन प्लस आर प्लस ए टू। और अगला आता है अदरवाइज, अदरवाइज प्रयोग कब करें, अगर पहला वाला सेंटेंस इंपरेटिव है यानी भी वन से अगर शुरू है और दूसरा वाक्य कोई भी सेंटेंस हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, या निश्चित है 100% अदरवाइज का प्रयोग करेंगे, यानी ए वन प्लस अदरवाइज प्लस क्या हो जाएगा ए टू। अब अगर हमको जो अगला कंजक्शन है आइदर डैश डैश आर का प्रयोग, तो अगर वाक्य यानी अगर सेंटेंसेस कैन या मे है, कैन या मे है, तो हम दोनों वाक्यों में कैन हो या मे हो तो किसका प्रयोग करेंगे, आइदर डैश डैश आर का, यानी क्या आइदर प्लस ए वन आर प्लस ए टू। चौथा कंजक्शन है नाइदर डैश डैश नॉट, यानी इसका प्रयोग हम कब करेंगे, अगर यह सेंटेंसेस के दोनों वाक्य निगेटिव में हो, यानी दोनों में नॉट हो, अगर दोनों में निगेटिव, अगर दोनों वाक्य निगेटिव तो इसका प्रयोग करेंगे नाइदर डैश डैश नॉट का, यानी नाइदर प्लस ए वन नॉट प्लस ए टू। यहाँ एक बात विशेष जानिएगा, ए वन का मतलब है कथन नंबर एक और ए टू का मतलब है कथन नंबर दो। तो हम आपको इसको एग्जाम्पल समझाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पहला एग्जाम्पल आपका है आर यू अ लीडर, और दूसरा वाक्य आर यू अ बेगर। आर यू अ लीडर, दूसरा वाक्य आर यू अ बेगर। पेपर में सिर्फ लिखा रहेगा, प्रश्नों में सिर्फ रहेगा कंपाउंड सेंटेंस, क्या रहेगा मेरे भाई कंपाउंड सेंटेंस। हमें यहाँ कुछ नहीं करना, एक बात आपको विशेष ध्यान देना है, आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लो तो पता चल जाएगा कौन ए वन है कौन ए टू, विकल्प नंबर वन और विकल्प नंबर टू। हमने आर यू देखा, आर यू ये कॉमन है, आर यू ये कॉमन है, आर यू ए कॉमन है, तो लीडर क्या हो गया ए वन और बेगर क्या हो गया आपका ए टू। हमने यहाँ क्या देखा, आर यू ए, आर यू ए मैंने कॉमन ले लिया, तो ए वन हो गया लीडर और ए टू क्या हो गया बेगर। तो सॉल्व कर दीजिए, हमको यहाँ गौर करना होगा अल्टरनेटिव में चार कंजक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्यूमुलेटिव कंजक्शन बता चुके हैं और आ गए हैं अल्टरनेटिव में। तो यहाँ एक बात क्लियर है, अल्टरनेटिव की स्थिति अलग है और क्यूमुलेटिव कंजक्शन स्थिति अलग है, कॉमन दोनों में लिया जाएगा। अल्टरनेटिव में क्या है, अगर वाक इंट्रोगेटिव है तो इसका प्रयोग आर का प्रयोग होगा, ऐसा क्यूमुलेटिव में नहीं है। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिए एकदम मैथ के फार्मूले से, अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला, अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला सी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई ए वन प्लस आर प्लस ए टू। हमने यहाँ आर का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि दोनों वाक इंट्रोगेटिव हैं, यानी सिंपल सेंटेंसेस के पहला वाक और दूसरा वाक दोनों किसमें इंट्रोगेटिव हैं 100%, यानी एक सेकेंड का मेथड है। आपने देखा दोनों वाक अगर इंट्रोगेटिव हैं किस कौन सा कंजक्शन प्रयोग होगा, ओ आर आर का, जबकि अब हम आठ पढ़ चुके हैं, आठवा क्वाड्रेटिव कंजक्शन पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा किसका प्रयोग होगा, ओ आर आर का, क्यों हुआ, क्योंकि दोनों वाक इंट्रोगेटिव हैं। तो ए वन बराबर क्या है मेरे भाई, ए वन का मान दिया है लीडर, ए वन का मान दिया है लीडर, और ए टू बराबर क्या दिया है बेगर यानी भिखारी, ठीक। तो अब इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर ए वन सी वन, सी बराबर क्या है आर यू पहले है, आर यू ए लीडर, ओ आर आर, ए टू क्या है बेगर। ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, ये लीजिए आप इसको कवर कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया, एकदम मैथ के फॉर्मूले पे आधारित है, कोई इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। ए वन प्लस आर प्लस ए टू, यानी लीडर क्या हो गया ए वन और ये क्या हो गया ए टू, यानी हमारा ये प्रश्न एकदम सही है। तो ध्यान रखिएगा हम फिर बता रहे हैं, अगर दोनों वाक इंट्रोगेटिव में हैं तो हम ओ आर आर का, ओ आर आर नामक कंजक्शन का ही प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर दो देखिए जरा मेरे भाई, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ दूसरा वाक्य है, आई विल किल यू। पेपर में लिखा रहेगा सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस,
हमें ये नहीं पता रहेगा अल्टरनेटिव है, इलेटिव है, रिलेटिव है, क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा। बस हमारे आप फार्मूले पे चलिए, फार्मूला आपको एक सेकेंड बताएगा कि हम कौन से कंजक्शन का प्रयोग करें, क्यूमुलेटिव है कि अल्टरनेटिव है। हमने देखा स्पीक हमारा ये V1 है या इंपरेटिव सेंटेंस है और ये कोई दूसरा सेंटेंस है। तो हमने ये क्या देखा यहाँ पर, अगर ये पहला वाला वाक्य V1 है 100% आप निश्चित हो जाओ इसमें अदरवाइज नामक कंजक्शन का ही प्रयोग होगा। इसको सॉल्व कर दीजिए सूत्र से, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, फार्मूला क्या है मेरे भाई, सी इक्वल टू ए वन माने अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट नंबर एक, ए वन प्लस अदरवाइज प्लस ए टू। अब हम यहां पे कॉमन देखें तो कोई कॉमन नहीं है, पूरे को मान लो आप ए वन और इस पूरे को मान लो आप ए टू, क्योंकि इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, केवल V1 है। V1 होने यानी इंपरेटिव सेंटेंस होने के नाते हम जान गए कि इसमें अदरवाइज नामक ही कंजक्शन लगेगा। हमने पूरा कॉमन ले लिया, ये पूरा हमने मान लिया A1, इसको पूरे बने क्या मान लिया A2। तो A1 इक्वल टू क्या है मेरे भाई, स्पीक द ट्रूथ। A1 इक्वल टू क्या है, स्पीक द ट्रूथ। और A2 इक्वल टू क्या है, आई विल किल यू। इसलिए C बराबर क्या हो जाएगा, A1 है पूरा, स्पीक द ट्रूथ अदरवाइज आई विल किल यू। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको आप कवर कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया, ये दीजिए। तो हमने क्या देखा, अगर इंपरेटिव सेंटेंस यानी V1 सबसे पहले है तो हम अदरवाइज का ही प्रयोग करेंगे, और अगर दोनों वाक्य इंट्रोगेटिव में है ओ आर का ही प्रयोग करते हैं।